रिलेशनल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के बीच ये क्या रिलेशन फाइंड करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न हम लेता है। तो अब इसके बाद जैसे हम देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर और इसका मीनिंग, तो अब ये क्या है कि लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये साइन है इक्वल टू। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम सिंगल यूज़ नहीं करते हैं, सिंगल इक्वल, क्यों, क्योंकि सिंगल वे जो इक्वल का साइन वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हम सिंगल यूज़ करें तो वो रिलेशन फाइंड ना करके डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देगा। ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है बहुत लोगों को। यहाँ पे है नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है नॉट का रहता है और ये है इक्वल इक्वल का, तो नॉट इक्वल टू। अब ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू, ये जो कि हम कॉलेज में या स्कूल में जो हमने पढ़ा है, ये इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि कीबोर्ड पे हमारे पास ऐसा कोई की नहीं है, इसलिए दो की का हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब क्या है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब एक जैसे सी में अगर कोई भी चीज़ ट्रू है तो वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है और फॉल्स के लिए जीरो जीरो होता है। जनरली नॉन ज़ीरो को वन भी कंसीडर करते हैं बहुत लोग, लेकिन ट्रू यानी कि कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हो सकता है, और मोस्टली केसेस में वन ही होता है, बट फिर भी हम स्टिक मतलब रहेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो नॉन ज़ीरो वैल्यू होता है। अब क्या है कि यहाँ पे ए, हमने एग्जांपल लेते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, तो ए में 3 हो गया, बी में हमारा 6, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ए लेस देन बी, तो ए 3 इज़ लेस देन बी, यस, यानी कि ये ट्रू है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए 3 इज़ ग्रेटर देन बी 6, नो, यानी कि ये फॉल्स है। बी इज़ लेस देन ए, बी इज़ लेस देन, नो, ये भी फॉल्स है। बी इक्वल टू ए, अगर देखें बी इक्वल टू ए, यानी कि क्या ये ए और बी दोनों इक्वल है, तो नहीं है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। बी यहाँ पे नॉट इक्वल टू ए, क्या बी ए के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ट्रू। बी लेस देन और इक्वल टू, बी लेस देन और इक्वल टू, तो नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ए लेस देन इक्वल टू 6, यस, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू। अगर यहाँ पे ए में कितना है, 3 है, बी में 6 है, तो ये कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ये वाला, ए लेस देन बी। अगर ए में 6 रहता, बी में भी 6, तो ये अप्लाई हो जाता, तो यानी कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये भी ट्रू। अब इसका जो वैल्यू होगा, तो ये क्या हो सकता है, जैसे हम जैसे सिंपलिसिटी के लिए ट्रू के लिए 1 लेते हैं, फॉल्स के लिए 0 0 0 0 0 1 और 1, तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर जिसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं।